चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड वो चीजें दिमाग में हैं या नहीं है लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ बताया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिकली बेस बिल्कुल ठीक है बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं किसका इन्वेंट्री और इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक नॉर्मली अगर देखा जाए तो लेकिन इन्वेंट्री में केवल स्टॉक शामिल नहीं होता इन्वेंट्री में तीन चीजें आती हैं स्टॉक स्पेयर्स एंड लूज टूल्स ठीक है सर वो समझ गए थे फिर स्टॉक में आपने तीन चीजें बताई थी रॉ मटेरियल का स्टॉक डब्ल्यू आई पी का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं और यहाँ ट्रेडिंग एंड पीएल में जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं दैट इट ट अ करेक्ट वैल्यू ये हमारा बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पर होना चाहिए अगर ये सही वैल्यू पर यहाँ कैलकुलेट नहीं हुआ अगर हमने इसको ओवर प्राइस कर दिया अगर हमने इसको ओवर प्राइस कर दिया तो दिक्कत आएगी अगर हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर प्राइसिंग कर दिया तो दिक्कत आएगी सर कैसी दिक्कत आएगी जरा देखते हैं कैसी दिक्कत आएगी नॉर्मली जो आज तक आप लोगों ने सीखा होगा ना जब भी बनाया होगा तो उसमें आप लोगों ने कभी क्वांटिटी नहीं ली होगी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आज हम लोग जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ना उसमें हम लोग क्वांटिटी भी ले ले रहे हैं केवल आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ हम क्वांटिटी लिख दे रहे हैं और यहाँ हम अमाउंट लिख दे रहे हैं अच्छा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, थाउजेंड के जी और इसकी वैल्यू थी दस हजार सॉरी परचेजेस हमने ले लिए टेन थाउजेंड और इसकी वैल्यू ले ली ट्वेल्व थाउजेंड जो भी साल भर या महीने भर का परचेज किया अच्छा सेल्स है आपका सिक्स थाउजेंड वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड जरा बता सकते हो क्या कि हमारा जीपी कितना आएगा अरे बोल सकते हो क्या कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा हाँ बोले क्या आप हमें बता सकते हैं क्या कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा अरे बोले ना हम यहां क्रॉस प्रॉफिट कितना लिखें काय को जीरो काय को दोनों तरफ का टोटल कितना आया वन थर्टी वन थर्टी ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचेगा असल में फर्स्ट टाइम आपने इस तरह से ट्रेडिंग देख लिया तो आपके होश पाखता हो गए लेकिन ऐसा नहीं है यहां क्लोजिंग स्टॉक भी तो है अरे मैंने टोटल मटेरियल ग्यारह हजार खरीदा बेचा तो केवल छह हजार है क्लोजिंग स्टॉक इसकी वैल्यू नहीं रहेगी क्या कोई जीरो पर रहेगा क्या ये तो कितनी वैल्यू ले लें अच्छा मैं आपके जो कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं कुछ है जो आगे चलकर थ्योरी में काम आएगा हम लोग यहां पर इसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए बैठे हम लोग यहां पर इसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए बैठे हैं कि कितने वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन किया जाए दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एज एंड वेन वी विल गेट दिस वन आंसर जैसे ही आंसर मिलेगा तो फिर आपका ये आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा गॉट इट और नॉट तो विदाउट हैविंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द जीपी और प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू हैव द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ना वॉट इज द वैल्यू सर वेरी इजी कौन सा काय का इजी सर आपके पास ना एक लाख तीस हजार का सामान था टोटल कितने का था एक लाख तीस हजार का सामान था ना मेरे पास अच्छा इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी ग्यारह हजार तो डिवाइड कर लो यानी एक यूनिट हमारे पास इलेवन पॉइंट एट वन एट वन एट वन कुछ आया तो एक यूनिट की प्राइस इतनी है खरीदते समय तो जो बचा होगा वो भी उसी वैल्यू पर ले लेते हैं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए उाइल इंटू फाइव थाउजेंड कर दें तो आ जाएगा फिफ्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड अप्रोक्स ये अप्रोक्स आ गया दस रुपए मैंने ज्यादा लिख दिया इसका मतलब ये हुआ अब हमारा जीपी कितना आया भाई ग्रेट ये को इंसिडेंट समझो या क्वेश्चन देने का तरीका आपको समझाने का परपज है क्योंकि अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे जो मुझे आपको चीज समझानी है अच्छा ये तो बन गया हमारा सर जितना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वही हमारे जीपी नाबा ना बना ऐसा कुछ नहीं है कि जितना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उतना ही जीपी रहेगा सर आया तो है नहीं ऐसा नहीं होता मान लो हमें ये ना दिया होता एक तीस ना देकर एक लाख दस हजार दिया रहता कितना दिया रहता वन लैख टेन थाउजेंड तो देखो ना हमारा आंसर जमीन आसमान का चाहिए सेवेंटी नाइन थाउजेंड ये थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड आ जाएगा जीपी ठीक है ना थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड नॉट सेवेंटी नाइन कम हो जाएगा तो कहने का मतलब ये कि क्लोजिंग अब से सुनेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक पर डिपेंड करता है कि हमारा जीपी कितना होगा अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को गलत शो कर दें हम इसको ओवर प्राइस कर दें आ, आ, आ सर आप इसको सिक्सटी थाउजेंड कर दीजिए यानी नौ सौ रुपए मैंने और ऐड कर दिया कितना फालतू का फालतू का नाइन हंड्रेड एड कर दिया तो बताओ जीपी कितना हो जाएगा सर जीपी भी नाइन हंड्रेड से बढ़ जाएगा अच्छा क्लोजिंग स्टॉक को प्लस किया तो जीपी भी बढ़ जाएगा और अगर क्लोजिंग स्टॉक को इतने से माइनस कर दिया तो हमारा जीपी भी उतने से माइनस हो जाएगा मेरी बात समझ में आई यानी अगर हम स्टॉक को ओवर प्राइस कर दे तो जीपी पर उसका इंपैक्ट आएगा जितने से ओवर प्राइस करेंगे स्टॉक को उतने से प्रॉफिट उतने से प्रॉफिट मतलब हाथ देख करके घट जाएगा अरे हाथ का मूवमेंट मैंने गलत किया बढ़ जाएगा हाँ तो अगर हमने सेल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी तो जीपी भी बढ़ जाएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घटा दी तो जीपी क्या हो जाएगा अच्छा घट जाएगा हाँ बिल्कुल ठीक है अब ठीक है अब ठीक है तो कहने का मतलब ये हुआ स्टॉक की देखो ना कितनी बड़ी करामात है स्टॉक का ही तो करामात है अगर हम अपने बिजनेस को फालतू का प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो अगर हम अपने बिजनेस के स्टॉक को प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दो अरे ऐसा लोग करते हैं क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं होता सर क्यों नहीं होता अच्छा यह भी जान लो होता क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट क्या है ये इवेंट है अच्छा इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है होता क्या है हमने माल खरीदा माल खरीदा माल खरीदा माल बेचा माल खरीदा माल बेचा 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 बेचा, बेचा फिर खरीदा फिर बेचा बेचा ये खरीदना बेचना थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है और जब ये साल भर चलता रहता है साल के अंत में देखते कितना स्टॉक बचा अब कोई चेक थोड़ी करने आ रहा है हमको अगर लोगों से किसी से पैसा लेना है और मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं कह दूंगा ये जो मेरा स्टॉक है ना इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है जरूरत से ज्यादा दिखा करके बोलूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट इनफ्लेटेड हो जाए बढ़ जाए और अगर मुझे सामने वाले को धोखा देना हो या सामने वाले के साथ चीटिंग करनी हो या सामने वाले से कम अमाउंट मीन्स लेना देना करना हो तो उस समय कहूंगा ये स्टॉक कुछ है ही नहीं सब कबाड़ है बेकार है काम का नहीं है बहुत पुराना हो चुका है मतलब वो मेरे ऊपर है अब मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तो इसके लिए एक फिक्स पॉलिसी बनाई गई सबके लिए ताकि लोग इस पर फ्रॉड ना कर सके सर इस पर फ्रॉड होता है बिल्कुल इसको हम लोग ऑडिटिंग पढ़ेंगे तो धजाने का काम करते हैं अपनी के से, बढ़ाना हो, तो कुछ और एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट घटाना हो तो कुछ और एडजस्टमेंट करते हैं उससे आपकी विंडो ड्रेसिंग होती है जो कि गलत मानी जाती है तो यह भी उसमें एक रोल प्ले करता है क्लोजिंग स्टॉक चलिए ठीक है सर अब हम इसकी वैल्यू दिखाएं कैसे नाउ इसके वैल्यूएशन हम उसी चैप्टर को ही तो पढ़ रहे हैं नाम है उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कैसे किया जाए इसके लिए आपने कई मेथड्स का नाम सुन रखा होगा पहला सुना होगा फीफो मेथड जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यस और नो एक और मेथड होता है नाम बताओ ना लास्ट इन फर्स्ट आउट मैथ अच्छा फीलो मेथड होता है क्या हुआ इसका फुल फॉर्म <laughs> तो ये कौन सा तरीका होता है पहले आएगा मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट लास्ट बाद में आया पहले गया हम ये मान सकते हैं जो पहले लास्ट में कैसे जा सकता है कैसे पॉसिबल है मान लो हमने 10 यूनिट 20 यूनिट 30 यूनिट 40 यूनिट्स खरीदी हमको अगर 20 यूनिट बेचनी हो पांच यूनिट बेचनी हो तो किस में से बेचेंगे पांच <laughs> यूनिट बेचनी हो तो किस में से बेचेंगे दस में से बेचेंगे ये कैसे पॉसिबल है या ये कैसे पॉसिबल है ठीक है ना ये वाला तो चलो पॉसिबल है लास्ट इन फर्स्ट आउट जब जो सबसे बाद में आया वो पहले आया चलिए अभी मैं बताता हूँ इसका पर्पज क्या है चलिए वो भी बता देता हूं ये कोई मैथड नहीं होता ये मैथड का नाम बताओ हम्म अरे बोलो ना ले लो मैथड बोलो अरे अरे मुंह पे क्या गोंद लग गई पे भी क्विक लग गया बोलते क्यों नहीं दीप बोलिए बाबू क्या है ये दीप हाँ बोलिए बाबू लीलो लीलो का नाम बताइए अभिनव अभिनव ऐसा कोई मेथड होता है यही तो मेथड है तुम्हारा फीफो बोलो या लीलो बोलो क्या फर्क पड़ता है पहले आया पहले गया आखिर में आया आखिर में गया क्या फर्क पड़ता है तो पहले ही हम बता दीजिए मेथड ही होता है लीलो मेथड कोई अंतर नहीं है दोनों में समझ में आया तो ऐसा कोई वैसे मेथड है नहीं लेकिन अगर कोई कहे लीलो मेथड क्या होता है पूछोगे तो कहेगा ऐसा कुछ है नहीं अरे है तो फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब लास्ट इन लास्ट आउट क्यों चलिए एक और बात बताते हैं एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। एक होता है बेस स्टॉक मेथड। ये वो मेथड हैं जिन पर हम इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करते हैं दीज आर द मैथड थ्रू विच वी वैल्युएट आर इन्वेंट्रीज और यह सबके लिए इक्वल है जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू पढ़ते हैं ना एक और मैथड होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मैथड अच्छा जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ना तो इन्हीं में से चुनना पड़ता है सर इतने सारे मेथड तो फ्रॉड होने की चांसेस भी रहेंगी हाँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू जिसका मैंने हिंट आपको दिया था ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड बताता है ये कहता है या तो आप अपने स्टॉक को फीफो मेथड पर रखेंगे या फिर हाँ हाँ अरे बोलते क्यों नहीं या तो आप अपने स्टॉक को फीफो मेथड पर रखेंगे या फिर या फिर हाँ जी लीफो नहीं फीफो के साथ हमेशा लीफो नहीं आता ये याद रखेंगे जब फीफो निकलता है ऊपर से वेटेड लीफो निकल जाता है तो फीफो या वेटेड एवरेज मेथड ये दो मेथड को रिकमेंड किया है पहला मेथड है फीफो दूसरा मेथड है वेटेड इन दो मेथड्स को रिकमेंड किया है रिकमेंड करने के पीछे के लॉजिक्स भी आपको समझ में आएंगे लेकिन हम एक कहानी आपको बताते हैं और मैं देखता हूं आप लोग में से कौन कितना समझदार है ये मेरा गोडाउन है गोडाउन छोटा है या बड़ा है अरे बोलो ना छोटा गोडाउन है कि बड़ा गोडाउन ये दरवाजा है इतना बड़ा अब सोच लो इसमें से ट्रक खड़ी हैं बाहर सड़क पर ये ट्रक हैं। ये ट्रक ऐसी कई ट्रक खड़ी हैं। अब खुद सोच सकते हो कि हमारा गोडाउन ये इतना बड़ा है कितनी सैकड़ों ट्रकें यहाँ पर आ जाएंगी अच्छा हमारे पास मान लो पहला ट्रक आया और उसने अपना सामान रखा तो हम यहां पर उसको रख देंगे हाँ या ना और 500 यूनिट्स मैंने यहां पर रख दी और ये लॉट नंबर कौन सा था सर ये लॉट नंबर था वन ये था लॉट नंबर वन फिर से 500 यूनिट्स आ गई एक दूसरी ट्रक फिर आ गई उसका 500 यूनिट था हम यहीं रखेंगे कि कहीं और रखेंगे अरे बोलो ना और उसके जित, ये था लॉट नंबर टू दूसरी ट्रक जो आई अच्छा अब एक और ट्रक आई थर्ड हमने यहां रख दिया उसको मैंने कहा 500 यूनिट और लॉट नंबर थ्री एक और ट्रक आई उसमें से भी सामान आया ये है आपका 500 यूनिट्स अगेन और यह है लॉट नंबर फोर ऐसे ही तो सामान रखते हैं गोडाउन में सजा करके अच्छा अब मेरे पास एक कस्टमर आया और हम लोग फिफो मेथड यूज कर रहे थे कौन सा फर्स्ट इन और फर्स्ट हमसे उसने 200 कार्टून मांगे ये सारे कार्टून हैं कार्टन जिसको कहते हैं कार्टून तो टीवी में देखते हो तुम लोग ये सारे कार्टन हैं अब बताओ ये जो कार्टन है फाइव हंड्रेड यूनिट्स में से देंगे पहले वाले में से दूसरे वाले में से तीसरे या फोर्थ वाले में से अरे फीफो मेथड यूज कर रहे हैं भाई अरे भाई हम सृंजनी आप ना बोले दो मिनट बाबू बताइए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है कौन सा मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है जो बाद में आता है वो पहले जाता है क्यों हां जो पहले आता है वो पहले जाएगा तो कौन सा यूनिट्स निकलेगा इसमें से इसमें से जाएगा ना 200 इसमें से किसी को कोई दिक्कत है क्या अरे बोलते क्यों नहीं साइमा कोई दिक्कत है क्या बाबू और फिर एक आदमी आया उसने फिर सौ यूनिट्स मांगे तो हम कहां से देंगे अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें चार लोगों को यहां रखना पड़ेगा एक दो तीन और एक ये चार जैसे ही कोई ऑर्डर देगा दो सौ यूनिट तुरंत इसको सरका करके इधर करेंगे इसको सरका कर इधर करेंगे इसको सरका कर इधर करेंगे इसमें से फिर दो सौ यूनिट निकाल देंगे पहले वाले में से वो दे देंगे क्यों ऐसे ही तो करेंगे फिर सौ यूनिट कोई मांगने आएगा तो फिर सबको सरकाएंगे फिर 100 यूनिट उसको दे देंगे अरे ऐसे ही तो होगा और कुछ चलेगा क्या हमको थोड़ा टेंशन देने दिया कीजिए ना मेरे लाल हाँ अरे भाई आप मान लीजिए किसी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गए उसने दो बोरे आलू लाए एक कल लाया था एक आज लाया था उसको जब सब्जी लगानी होगी शाम के समय वो तुरंत तो सारे दोनों बोरे एक ही साथ डाल देगा ये थोड़ी एक कल वाला बोरा है ये आज वाला अलग अलग कोई खरीदना है इसमें से मत खरीद इसमें से नहीं इसमें से खरीदेंगे ना ये कल वाला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं ये जब खत्म हो जाएगा ना तो दूसरा ये देंगे ऐसे होता है क्या अच्छा वेटेड एवरेज मेथड मान लो वो फल वाला यूज करने लगा आलू बेचने वाला तो कहेगा जो ज्यादा भारी आलू हो वो बाद में लेना पहले हल्का वाला ले लो ऐसे होता है क्या वेट लेकर के तो बात खत्म हो गई हम यहां पर केवल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए बैठे हैं आप साल भर में सामान को किस वैल्यू पर बेच रहे हैं आप साल भर में सामान को किस लॉट में से निकाल रहे हैं ये मैथड्स उसके बारे में कोई बात नहीं करता अब बात समझ में आई ये केवल बात करता है जब आप बैलेंस शीट बना रहे होते हैं उस समय हम इस पांच हजार यूनिट्स को किस वैल्यू पर दिखाएं किस रेट से दिखाएं केवल उसकी बात करता है हम जब शॉपकीपर के यहां जाते हैं इस तरह की पेन लेने के लिए उसके पास सौ पेन पड़ी हुई है इस तरह से मैंने कहा पेन दो उसने पेन निकाली हमको दे दी मैंने कहा कितने की उसने कहा फाइव हंड्रेड की मैंने कहा वाली नहीं ऊपर वाली दो क्योंकि वो वो बाद में आई होगी होगी फ्रेश हो नीचे वाली पुरानी अरे ऐसे होता है क्या ऐसे किया है क्या कभी या तो वो सोचता है पहले पांच मिनट कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था उसके बाद निकाल करके आपको देता है ना तो वो सोचता है ना आप सोचते हैं तो कहने का मतलब ये कि स्टॉक इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक आप किसी भी लॉट में से इशू करो कोई दिक्कत नहीं है हाँ एट द टाइम ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी आर नीडेड टू थिंक अबाउट दैट वन वी आर फॉलोइंग कि हम किस मैथड को यूज कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू दैट मैथड वी विल वैल्यूएट आवर स्टॉक इस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दिच वन मैथड वी वी आर यूजिंग एट द टाइम ऑफ द रिलीजिंग ऑफ द स्टॉक एट द टाइम ऑफ द इश्यू स्टॉक वी आर नॉट कंसर्न विद दो हमें तो उन चीजों से मतलब ही नहीं होता है हमें तो भैया जब वैल्यूएशन करते हैं उसी समय मतलब होता है फीफो देखे या लीफो देखे या वेटेड एवरेज देखें या फिर हीफो देखें हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट देखो एक छूट गया हमारा हीफो मैथड भी होता है हाइएस्ट इन फर्स्ट आउट तो फिलहाल कहने का मतलब ये कि जब भी सामान बिकेगा ना हमें इतनी चीजों की टिटिम्मा पालने की जरूरत नहीं है अगर कोई पचास यूनिट खरीदने आएगा हम इसमें से दे देंगे फिर कोई सौ यूनिट खरीदने आएगा इसमें से दे देंगे इसमें से दे देंगे फिर कोई तीन सौ खरीदने आया हम इसमें से दे देंगे हम कहीं से भी दे सकते हैं मेरी बात समझ में आई हाँ अब हम इसको हटा सकते हैं ना अच्छा जी तो आज हमको अब यह सीखना है कि फीफो मेथड में वैल्यूएशन कैसे करते हैं लिफो मेथड में कैसे करते हैं जरा देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं यह है आपका FIFO मेथड से क्वेश्चन नंबर वन देखा जाए और इसके लिए और इसके लिए जो हमारा सिस्टम बनता है ना वो कहलाता है स्टोर लेजर अच्छा जब स्टोर लेजर की बात आई तो मैं आपको एक और चीज बता दू ढंग से सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मान लीजिए आपने 500 हंड्रेड यूनिट्स परचेस किए दस रुपए के हिसाब से जर्नल एंट्री बता सकते हैं क्या आप फाइव हंड्रेड यूनिट्स परचेज किए आपने जर्नल एंट्री बता सकते हैं क्या आप कैश हो या पार्टी हो फाइव थाउजेंड बहुत बढ़िया ये हमने लिख दिया यह हमने लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्या कहीं पर हमने इसमें क्वांटिटी लिखी है क्या ओ ओ मैंने फिर से परचेज किया और मैंने लिखा सिक्स हंड्रेड यूनिट्स नाइन रुपीज के हिसाब से फिर से एंट्री हो गई अगर हम ऐसे करते रहे साल भर में क्या हमें दस दिन बाद ये समझ में आएगा क्या ये कितने की यूनिट से कितने रुपए के थे ये कितने यूनिट से कितने रुपए के थे क्या हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं यानी हम यहाँ पर जब हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वहां मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है कौन सा कंसेप्ट होता है ट्रांजेक्शन we can, we can तो मॉनिटरी क्या करना पड़ता है सर क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए जो आपकी गलत फहमिली नहीं गलत फहमी है उसको दूर करते हैं क्या है आपकी गलत फहमी इन यूनिट्स के लिए हम लोग स्टोर लेजर बनाते हैं कौन सा लेजर बनाते हैं हां जी और ये स्टोर लेजर आपका आना आपका जाना यानी परचेज और इशू दोनों को रिकॉर्ड करता है और जो लेजर हमारा स्टोर लेजर परचेज और इशू को रिकॉर्ड करेगा तो बैलेंस तो अपने आप आ जाएगा ना अगर ये शो करता है मैंने 500 यूनिट्स खरीदी 600 यूनिट्स खरीदी 100 यूनिट हमने इशू कर दी तो हमारे पास बचा कितना सर आपके पास ना एक हजार यूनिट्स बच गए देखो ना यूनिट्स का काम कौन करेगा स्टोर लेजर कौन करेगा स्टोर लेजर और रुपीज का काम कौन करेगा सर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम लोग देखते आए थे लेजर कैश बुक और जर्नल जर्नल हाँ या ना दोनों में फर्क समझ में आया अब अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को कि सर हम लोग रुपीज का तो एंट्री करते हैं बट वे वी रिकॉर्ड आर वी रिकॉर्ड आर क्वांटिटी अंडर स्टोर लेजर सेपरेटली तो जैसे ही कोई सामान आया तो आज तक आपकी आदत थी केवल लेजर जर्नल एंट्री करने की या लेजर पोस्टिंग करने की अब आज के बाद दिमाग में ये रखें कि वहां तो हमने मनी में लिखा रुपीज में लिखा क्वांटिटी कहां लिखेंगे अरे अरे क्वांटिटी कहां लिखेंगे स्टोर लेजर में ग्रेट तो ये एक आपका फर्क है ध्यान देंगे इस चीज पर अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें आपको बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है बाबू आप लोग कोई रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे अभिनव कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए बाबू आंचल कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू मेरे लाल तुरंत पूछा करिए कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए दीप कोई दिक्कत है क्या बाबू आपको शेयर हो गए लिंक शेयर हो गए लेक्चर्स के चलिए बहुत बढ़िया बाकी भी हो जाएगा श्रीति कोई दिक्कत बाबू सायमा खुशी मेरे लाल बताए अच्छा जी अम्बरीश पहला दिन है क्या आपका अच्छा तो बाबू कोई दिक्कत हो क्लास के बाद हम आपसे बात करेंगे ठीक है ना ओके बाबू चलिए ढंग से समझते हैं आगे क्या है इसमें स्टोर इस लेजर और हमारे लेजर दोनों में फर्क समझ में आया स्टोर लेजर बेसिकली रिकॉर्ड ऑल द क्वांटिटेटिव डिटेल्स व्हाइल द लेजर जर्नल एंड कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी डिटेल्स इज इट क्लियर टू यू चलिए 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब वो आराम से समझ में आएगा बेसिकली हम बात क्या करना चाह रहे हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका स्टोर लेजर से रिलेट है ये है आपका डेट ये है आपका ओपनिंग स्टॉक थोड़ा आराम से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन में अपनी स्पीड मेंटेन कर लेंगे ये है आपके परचेजेस और रिसीट्स ये है आपका इश्यू और ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक इसको हम नाम देते हैं स्टोर लेजर या स्टोर कंट्रोल लेजर भी कहते हैं इस फॉर्मेट को हमें बार बार ना बनाना पड़े तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी ताकि दूसरे क्वेश्चन में भी इसको हम लोग यूज कर सकें ठीक चलिए बिल्कुल इतमिन से जरा देखें फोर्थ ऑफ दिसंबर को अ मैन्युफैक्चर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ कंडेंसर विच द ही यूजेज बाई मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट वो रेडियो सेट जब बनाता है तो इन कंडेंसर को यूज करता है अच्छा उसने इन कंडेंसर को खरीदा था फोर्थ ऑफ दिसंबर में नाइन हंड्रेड यूनिट्स में टेंथ ऑफ दिसंबर में फोर हंड्रेड यूनिट्स

देख लेंगे लेकिन अभी जो क्वेश्चन जैसे दिया है विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द सेम वे अभी हम अपने दिमाग को यूज नहीं करेंगे हंड्रेड यूनिट खरीदी है इसने नाइन हंड्रेड यूनिट्स खरीदी है खरी कितने रुपए वाली सर फिफ्टी रुपीज वाली ओपनिंग स्टॉक इसके पास कुछ भी नहीं पड़ा था नहीं ना था इश्यू उस दिन कुछ नहीं किया मान लेते हैं कुछ नहीं किया 900 हंड्रेड यूनिट फिफ्टी के हिसाब से पड़ा रह गया क्लोजिंग स्टॉक जो खरीदा वो बच गया जो खरीदा वो बच गया ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं जो आया सब नया नया आया और वही बच गया क्योंकि कुछ बिका नहीं इसका मतलब टेंथ ऑफ दिसंबर को हमारे पास सुबह सुबह ये सारा स्टॉक मौजूद था 900 हंड्रेड यू, जो यूनिट मैंने खरीदे थे बोलते क्यों नहीं फिफ्टी रुपीज वाला ठीक है यह पड़ा रहे हैं फोर हंड्रेड यूनिट फिफ्टी फाइव के हिसाब से नया सामान आ गया हंड्रेड मतलब हमारे पास दो सामान हो गए कितने सामान हो गए एक तो नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज वाला थोड़ा आराम से चलेंगे हड़बड़ी नहीं हम चाहें तो इस क्वेश्चन को मुश्किल से दस से पंद्रह सेकंड में कर सकते हैं लेकिन समझाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा ये हो गया ऑफ़ दिसंबर में हमारे पास टोटल का स्टॉक हमने बाय किया तीन सौ यूनिट तो दिसंबर को हमने हमारे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है नौ सौ यूनिट पचास रुपए के हिसाब से चार सौ यूनिट हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है फिफ्टी फाइव के हिसाब से फिर से 300 खरीद लिया 55 के हिसाब से बहुत बढ़िया यानी अब मेरे पास दो स्टॉक नहीं हुए कितने हो गए नहीं दो ही हुए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना एक तो 950 के हिसाब से और दूसरा 700 टोटल मिलाकर 55 के हिसाब से आप अलग अलग भी लिख सकते हैं तीन पार्ट में वो हम कोई मना नहीं कर रहे है, ठीक है ना अच्छा थ दिसंबर को 200 यूनिट साठ रुपए वाली है बाई किया है 200 हंड्रेड यूनिट सिक्सटी रुपीज के तो इसका मतलब शुरू में तो पड़ा ही होगा मेरा जो खरीदा था पहले का अच्छा 700 हंड्रेड ये भी पड़ा हुआ है यानी अब मेरे पास तीन डिफरेंट स्टॉक हो गए अलग अलग रेट के है यहाँ देखो कुछ छूटा हुआ है टोटल करो तो इसका नौ चार तेरह तीन सोलह सत्रह अठारह ये है एट हंड्रेड ये कितना है एट हंड्रेड डिफरेंस आ जाएगा ना ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो अट्ठाइस दिसंबर को इसने फिर से बाई किया है ऑलरेडी मेरे पास तीन तीन यूनिट्स पड़ी हुई थी अलग अलग फिफ्टी रुपीज वाली सेवन हंड्रेड वाली और टू हंड्रेड वाली एक और बाय कर ली हमने 847 के हिसाब से अब हमारे पास कितने स्टॉक हो गए अब आखिर में कहता है क्या है कौन ये वाला नौ सौ फिफ्टी सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड सिक्सटी अच्छा ये वाला ओके 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 ओके, ओके ग्रेट चलिए अच्छा अब आते हैं लास्ट पॉइंट कहता है सोलह सौ यूनिट बिक गई कितनी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को हमने सोलह सौ यूनिट्स बेच डाली हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ था ये चारों पड़े हुए थे ना नाइन हंड्रेड यूनिट्स फिफ्टी सेवन हंड्रेड यूनिट्स फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड यूनिट सिक्सटी एंड द लास्ट वन एट हंड्रेड यूनिट्स फोर्टी सेवन हमने कितनी कुछ खरीदा नहीं अब हमने कितनी यूनिट्स निकाल दी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं सर वी आर यूजिंग फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। विच वन मेथड? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अच्छा यानी जो पहले आया होगा वो पहले गया होगा तो सिक्सटीन हंड्रेड का मतलब ये नौ सौ निकल गया होगा अभी सात सौ और निकला होगा वो कहां से निकला होगा यानी ये दोनों स्टॉक मेरे निकल गए हां या ना तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होगा ये दोनों दो सौ सिक्सटी वाला और एट हंड्रेड फोर्टी सेवन वाला मल्टीप्लाई करो तो जरा यानी 12000 थाउजेंड इसका सैतीस छह सौ देखो आ रहा है क्या आ गया ना बोलो मैच कर गया अब जरा देखो हम लोगों ने फालतू की जो मेहनत की ना इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों ने ये सारी मेहनत यहां तक सब फालतू की की केवल समझाने के लिए क्योंकि हमें इकट्ठे दे दिया था सोलह सौ यूनिट बेची अरे तो सोलह सौ यूनिट इकट्ठे बेची तो एक साथ खरीदी कितनी इतनी इतना निकाल दो जो बचेगा इतना बात खत्म सीधा सा हिसाब था एक मिनट में हो सकता था लेकिन चूंकि हमें समझाना था डेट वाइज फॉर्मेट वाइज तो हमने ऐसे समझाया कोई दिक्कत है क्या नोट करना हो नोट कर ले हम आगे बढ़ेंगे हटा रहे बच्चों इसको अब बताओ सेम ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को करें लिफो मेथड से किस मेथड से किस मेथड से और अब हम उतनी डिटेल में नहीं करेंगे ठीक है ना हम अपने काम की चीज को रखेंगे यहां पर हमारे पास ये मालूम है हमारे पास चार तरह के स्टॉक हैं कौन कौन से थर्टी फर्स्ट दिसंबर डायरेक्ट ले लेते हैं नाइन हंड्रेड फिफ्टी के हिसाब से और सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइव के हिसाब से टू हंड्रेड सिक्सटी के हिसाब से एट हंड्रेड फोर्टी सेवन ये हमारे पास थर्टी फर्स्ट दिसंबर को सुबह सुबह ये स्टॉक पड़ा हुआ था इस दिन मैंने सोलह यूनिट्स यूनिट बेची हैं कितनी सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटीन हंड्रेड जो बेची है ना वो लिफो मेथड से बेची है किस मेथड से बेची है लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट तो लास्ट में आना और पहले जाना तो सोलह सौ में से आठ सौ यहां से निकल गया दो सौ यहां से निकला यानी एक हजार निकल गया 600 सौ इसमें से निकला इसमें से केवल 600 सौ निकला सोलह निकालना था 1600 निकालना था जिसमें से आठ सौ लास्ट वाले में से फिर दो सौ उसके पहले वाले में से फिर 600 उसके पहले वाले यानी कि इधर बचा कितना 900 यूनिट पूरा पूरा बच गया और सौ यूनिट यहां से बच गया हां तो आप कह सकते हैं 45,000 फाइव थाउजेंड और फिफ्टी फाइव हंड्रेड पचास हजार पांच सौ कितना आया कितना आया फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड अच्छा दोनों में देखना, देखना 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 इधर कितना वैल्यू आया था इधर कितना आया था अगर यूरोपीज में फर्क है तो यूनिट्स में भी तो फर्क होगा ना यस सर कुछ भी बोल दो इधर देखो टोटल कितना है अरे टोटल कितना है यूनिट्स और यहां टोटल यूनिट्स कितना है अरे भाई इतना यूनिट आया इतना निकल गया तो हमेशा बचेगा तो उतना ही बचेगा ना उसमें क्यों डिफरेंस आएगा यहां डिफरेंस अमाउंट में इसलिए आ रहा है अमाउंट में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रूपीज में चेंज कर दिया है किस में चेंज कर दिया है यूनिट्स उतनी ही है इन आर अर्लियर मैथड द क्लोजिंग स्टॉक वॉज वन थाउजेंड यूनिट्स इन आर दिस मैथड द यूनिट आर सेम वेयर इज द डिफरेंस द डिफरेंस इज विद द यूनिट्स सॉरी रूपीज डिफरेंस इज विद रूपीज ये जो रूपीज है उसमें फर्क आया है केवल उस रूपीज में फर्क आने के कारण हमारा टोटल वैल्यू में फर्क आ गया गोटेट तो स्टॉक वैल्यूएशन करना है स्टॉक उतना ही रहेगा ये हमेशा उतना रहेगा इसको हमें रुपीज देना है इसको क्या देना है रूपीज ताकि हम इसकी टोटल वैल्यू निकाल सकें. सकेट क्लियर बस और फर्क सारा का सारा इसी के कारण आता है बस यही है वो जिम्मेदार बंदा जिसके कारण सारा टेंशन बढ़ता है चल सकते हैं तीसरे मेथड पे सेम वही कह रहा है ये है आपका एवरेज प्राइस मेथड एवरेज प्राइस मेथड क्या बोलता है इसके लिए हम फिर से डिटेल में बात करेंगे लेकिन ठीक है अभी इतना समझ लें पहले तो दिमाग में ये बैठा है हम लोग यहां पर स्टॉक को वैल्यूएट करने बैठे हैं क्या करने बैठे हैं स्टॉक का वैल्यूएशन तो ये सिंपल मेथड ये बताता है कि एवरेज प्राइस मेथड नाम में ही काम है एवरेज प्राइस यानी प्राइस जितने भी हैं ये प्राइस तो है इनका एवरेज निकाल लो फिफ्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी फोर्टी सेवन यहां और काम कर सकते हैं क्योंकि 50 वाला दो बार खरीदा गया था 55 वाला दो बार बाई किया गया था देखो ना तो आप यहां पर इसको भी कर सकते हैं एक बार फिफ्टी फाइव न लिख करके जितनी बार जो जो सामान खरीदा गया है उसका एवरेज निकाल लो बात समझ में आई तो हमने टोटल पांच बार सामान खरीदा पांचों प्राइसिंग का एवरेज निकाल लो डिवाइडेड बाई फाइव कितना आया फिफ्टी थ्री पॉइंट हो गया एवरेज प्राइस इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक हजार यूनिट बचा है ना वो इसी प्राइस पर बचा रहेगा आंसर कितना आ जाएगा ठीक है ना बहुत सिंपल है सिंपल नाम है और सिंपल काम भी है और जैसा नाम है वैसा ही काम है सिंपल प्राइसिंग यानी जितने भी एवरेज प्राइसिंग जितनी भी प्राइसिंग में हमने सामान खरीदे हैं इस प्राइस पर सामान खरीदा इस प्राइस पर सामान खरीदा इस प्राइस पर सामान खरीदा जितने भी प्राइसिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइसेस ले लो पांच बार लिया है तो पांच बार डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एवरेज प्राइस आ गई फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर इसका मतलब जो भी स्टॉक बचा होगा इसी प्राइस पर बचा होगा इज इट क्लियर अब आते हैं एक धांसू सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसका नाम है वेटेड एवरेज प्राइस एवरेज प्राइस नहीं है क्या नाम है इसका ढंग से सुनेंगे इंपॉर्टेंट यही है जहां हमें आकर रुकना था इतमान से अब हम आपको कुछ जादू सिखाएंगे क्या सिखाएंगे जादू श्रिंजनी आप नहीं बोलेंगे मेरे लाल ठीक है ना हमने 100 यूनिट खरीदी दस रुपए के हिसाब से यही तो आएगा हमने फिर सौ यूनिट खरीदी दस रुपए के हिसाब से फिर सौ यूनिट खरीदी दस रुपए के हिसाब से अगर हम एवरेज प्राइस मेथड की ओर चले किस मेथड की ओर तो तीनों प्राइसिंग का क्या ले लेते हैं एवरेज दस प्लस दस प्लस दस डिवाइडेड बाई थ्री कितना आ जाएगा अच्छा तो तीन सौ यूनिट्स कितने की हो गई यही तो आया और चला देखो टैली हो भी रहा है टैली हो भी रहा है थ्री हंड्रेड इंटू टेन इन इज्क्वल टू थ्री थाउजेंड कोई दिक्कत आई क्या तो क्या एवरेज प्राइस गलत रिजल्ट दे रहा है क्या बिल्कुल ठीक है हमने 100 यूनिट खरीदी दस रुपए के हिसाब से टोटल कितना आ गया हमने 200 यूनिट्स खरीदी दस रुपए के हिसाब से हमने 300 यूनिट्स खरीदी दस रुपए के हिसाब से इसका मतलब हमने टोटल छह हजार का सामान खरीदा इसमें किसी को कोई दिक्कत है और छह सौ यूनिट्स खरीदी यह भी कोई दिक्कत है एवरेज प्राइस मेथड लगाते हैं टेन प्लस टेन प्लस टेन डिवाइडेड बाई थ्री कितना आ जाएगा क्या आंसर सही आया गलत आया इसका मतलब एवरेज प्राइस मेथड गलत जवाब देता है क्या हमने सौ यूनिट खरीदी दस रुपए के हिसाब से हमने सौ यूनिट्स खरीदी बीस रुपए के हिसाब से हमने सौ यूनिट्स खरीदी तीस रुपए के हिसाब से ये भी तो हो सकता है ना तो हमने टोटल तीन सौ यूनिट्स खरीदी छह हजार में एवरेज प्राइस मेथड यूज करते हैं टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाई थ्री इतना आ जाएगा क्या गलत जवाब दे रहा है क्या तो एवरेज प्राइस मेथड हमेशा कौन सा जवाब देता है अरे बोलो ना तेज बोलो बोलना है तो आ, अच्छा ये यूनिट्स है ये रुपीस है ये अमाउंट है हमने सौ यूनिट दस रुपए के हिसाब से खरीदी दो सौ यूनिट आठ रुपए के हिसाब से खरीदी और तीन सौ यूनिट बारह रुपए के हिसाब से खरीदी नहीं खरीद सकते अच्छा इसका मतलब छह सौ यूनिट खरीदा एवरेज प्राइस ले लो इसका एवरेज प्राइस हो जाएगा टेन प्लस एट प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री टेन आ जाएगा कितना आ जाएगा टोटल ठीक है ना इसमें कोई दिक्कत है क्या अरे दिक्कत है भाई कहा मैच कर रहा है अरे कहा मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा यही तो जादू है शुरू के तीन में मैच कर गया आखिर इसमें क्यों नहीं किया आखिर इसमें ऐसा क्या था कि मैच नहीं किया बता सकते हो मैं तीनों एक साथ रख देता हूं ये, ये सब इनको देखकर बताइए आखिर फोर्थ वाले में ऐसा क्या था कि वो मैच नहीं किया हम यहां से इसको अब आपको पूरा दिखेगा आखिर इसमें मैच किया इसमें मैच किया इसमें मैच किया इसमें मैच नहीं किया क्यों रीजन बताए अरे बता दो ना भाई कितना टेंशन ले रहे हो आखिर अभी तक तो सब मैच कर रहा था अब देखो एवरेज प्राइस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं ये सही जवाब तभी देता है मैंने क्या बोला अरे मैंने क्या बोला इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं यह सही जवाब तब देता है या तो प्राइस और यूनिट हमेशा बराबर रहे देखो ना आना या ना या तो हमेशा हम सेम प्राइस पर सामान खरीदे आ या ना या तो हम सेम क्वांटिटी में सामान हमेशा खरीदे प्रॉब्लम तो तब आ जाएगी जब यूनिट्स और अमाउंट दोनों डिफर होने लगेगा हर केस में और यही होता भी है प्रैक्टिकली देखो तो प्रैक्टिकली देखो तो यही होता ही है कि आप आज सामान खरीदने जाओगे दूसरे रेट पर कल जाओगे अलग क्वांटिटी खरीदोगे दूसरे रेट पर तीसरे दिन जाओगे अलग क्वांटिटी खरीदोगे अलग रेट पर और यही प्रैक्टिकली लाइफ में यही हम लोग को दो चार होना पड़ता है देखना पड़ता है तो वहां पर तो ये क्या जवाब दे दे रहा है गलत जवाब दे दे रहा है तो उस केस में कहा गया कि भाई अगर सही जवाब चाहिए तो ऑलवेज गो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड कौन सा सर इसमें कैसे सॉल्यूशन होता है जरा हम इसी को सॉल्व करते हैं जो गलत आया था ना इसी को सॉल्व करने की कोशिश करें वेटेड एवरेज से देखो हमने सौ यूनिट्स खरीदी दस रुपए वाली कितने की थी फिर दो सौ यूनिट्स खरीदी आठ रुपए वाली फिर तीन सौ यूनिट्स खरीदी बारह रुपए वाली थर्टी सिक्स हंड्रेड अब हम प्राइस को नहीं देखेंगे किसको नहीं देखेंगे हम टोटल कर लेंगे इसको कितना आ गया इसका मतलब टोटल मैंने कितना जेब से निकाला कितनी यूनिट्स के बदले तो बताओ एक यूनिट के बदले कितना रुपए खर्च किया फिफ्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड कितना आ गया ये आ गया हमारा टेन पॉइंट थ्री 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 बात समझ में आई हमने इन दोनों को निकालना है ये अपने आप निकल कर के आएगा प्राइस पर भरोसा नहीं किया जा सकता अकेले वी कैन नॉट रिलाय ऑन प्राइस अलोन तब ये कैसे आएगा अब तक हम लोगों ने देखा p1 वन प्लस पी टू प्लस पी अगर मैथमेटिकली बात करें तो थ्री चार बार सामान खरीदा था तो प्राइस वन प्राइस टू प्राइस थ्री प्राइस फोर डिवाइडेड बाई फोर ऐसे ही तो कर रहे थे लेकिन अब हम करेंगे क्यू वन पी वन प्लस क्यू टू पी टू प्लस क्यू थ्री थ्री डिवाइडेड बाई टी क्यू टोटल क्वांटिटी ये टोटल क्वांटिटी अब जरा इसको रख करके देखें पहली यूनिट थी हंड्रेड टेन रूपीज वाली प्लस टू हंड्रेड एट रुपीज की थी प्लस थ्री हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज की थी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी देखो आंसर आ गया टेन पॉइंट थ्री 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 बात समझ में आई तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने का ये फार्मूला वॉर्मूला दिमाग में नहीं रखने का बस ये याद रखना है कि टोटल वैल्यू बता दो जेब से कितना गया और कितना यूनिट्स आया हम एक यूनिट का दाम नहीं पता कर सकते आप कल गए थे दस पेन खरीद करके आए कल गए थे दस पेन बीस रुपए के हिसाब से खरीदी आपने दो सौ रुपए में और आज फिर आप गए पांच पेन खरीद करके आए पच्चीस रुपए में तो एक सौ पच्चीस रुपए अगर मैं पूछूं टोटल कितना खर्च किया आपने तो आप कहेंगे सर तीन सौ पच्चीस रुपए खर्च हुए कितनी पेन खरीदी आप कहेंगे सर पंद्रह पेन खरीदी तो एक पेन का रेट नहीं निकाल सकते हो क्या दिस इज आई? अरे बोलो ना हां जी चलो अब हम सॉल्व करते हैं अपना एक और इसी को वेटेड एवरेज मेथड पर ये सब मैं हटा रहा हूं ये सब मैं डिलीट कर रहा हूं चलिए क्या है इसमें हमने हमारे पास थी 900 यूनिट पचास रुपए की थर्टी फर्स्ट दिसंबर को टोटल कितने रुपए का सामान था फोर्टी फाइव थाउजेंड का हाँ या ना फिर सात सौ यूनिट थी मेरे पास फिफ्टी फाइव रुपीज की टोटल कितने रुपए का सामान था इतने का तो है फिर मेरे पास टू हंड्रेड सिक्सटी का सामान था फिर हमारे पास एट हंड्रेड फोर्टी सेवन का सामान था टोटल हमारे पास इतना सामान था 45,000, 38,500, 12,000, 37,600 कितने का डिवाइडेड बाई यूनिट्स की अगर बात करें मैंने कहा ना प्राइस को मारो गोली क्या मारो प्राइस को अरे बोलो ना तुम लोग बोलने में इतना शर्माते क्यों हमको ये बताओ हाँ जरा देखो एक तैतीस एक सौ डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड कितना आया फिफ्टी वन पॉइंट वन नाइन ये इसका रेट आ गया बोलते क्यों नहीं ये ये वेटेड एवरेज प्राइस से रेट आया है किससे आया है अच्छा हमने कितने यूनिट्स निकाल दिए सर सिक्सटीन हंड्रेड यूनिट्स आपने निकाल दिए अगर छब्बीस सौ में से सोलह सौ यूनिट्स निकल गए बचे कितने वन थाउजेंड किस रेट से तो वैल्यू कितनी आ गई एग्री जरा देखा जाए इतना आंसर आया कि नहीं अच्छा आंसर नहीं दिया हुआ यहां पर ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं हम लोगों ने कर लिया बात समझ में आई तो आपके ये चारों चारों क्वेश्चन दन दनाते हुए हो गए बहुत सिंपल क्वेश्चन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अभी कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं देखा हम लोगों ने अभी तक इसमें कोई टफ कोई क्वेश्चन नहीं देखा अब हम एक काम करते हैं हम आपके सामने एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ये वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है और इसको सॉल्व करने के बाद आज की क्लास टाटा बाय बाय नेक्स्ट सेशन में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा कोशिश कोशिश करेंगे खत्म कर दे कोशिश करेंगे खत्म कर दे जरा देखें ये कहता है सिंपल एवरेज से और वेटेड एवरेज भाड़ में जाओ सिंपल एवरेज़ अभी हम सिंपल एवरेज को नहीं देखने जा रहे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेथड से और आपको हम होमवर्क देंगे इसको किस मेथड से लीफो एंड वेटेड एवरेज से आपको करना है ठीक है ना चलिए हम करके देते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। अब हम ओपनिंग स्टॉक का बनाएं या क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दें क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ देते हैं क्योंकि जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा रहने दो ओपनिंग हम क्लोजिंग ही बना देंगे ठीक है ना ओपनिंग का केवल हम फॉर्मेट बना दे रहे हैं बार बार ओपनिंग को लिखना बेकार है वो तुम लोग अपना घर पे करते रहना ये हो गया डेट ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ये हो गया रिसीट्स और परचेजेस ये हो गया आपका इश्यू और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक अच्छा जी यहां लिखेंगे क्वांटिटी रुपीज टोटल क्वांटिटी रुपीज टोटल क्वांटिटी इश्यू का हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं ठीक है ना क्वांटिटी रुपीज एंड टोटल डेट्स इट चले आगे क्वेश्चन क्या कहता है ढंग से देखते जाए कहता है हम फिफो मेथड सॉल्व करेंगे स्टोर लेजर बना रहे हैं और हम इसको फिफो मेथड से करेंगे इसको हम स्टॉक रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं किस मेथड से कर रहे हैं फिफो जरा देखो तो हमसे कहता है फर्स्ट ऑफ मार्च को हमने सौ यूनिट खरीदी दस रुपए वाली फर्स्ट ऑफ मार्च 16 को 100 यूनिट खरीदी हैं, दस रुपए वाली टोटल कितना हो गया इसका अब कोई मतलब है नहीं दो तारीख को फिर मैंने परचेस की 200 सौ यूनिट दस रुपए बीस पैसे वाली तो हमने सेकेंड ऑफ मार्च को जाने से पहले पहले वाले को बंद कर दें तो 100 यूनिट दस 10 रुपए वाली बची हुई है ये एक तारीख को ओपनिंग स्टॉक में आ गया हाँ या ना दो तारीख को हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है और उसी दिन फिर मैंने खरीदा है दो सौ यूनिट दस रुपए बीस पैसे के हिसाब से तो ये हाँ बिल्कुल ठीक है अच्छा उसके बाद फिर पांच को इशू कर रहा है तो हमारे पास समय क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना आ जाएगा बता सकते हो सर सौ यूनिट हमारे पास दस रुपए वाले थे प्लस टू हंड्रेड यूनिट हमारे दस रुपए बीस पैसे वाले थे यही तो थे अच्छा अब अगले दिन हम ओपनिंग स्टॉक पर आ गए पाँच तारीख को इशू करना है इस दिन तो फिफ्थ ऑफ मार्च को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है सौ यूनिट्स दस रुपए वाले और दो सौ यूनिट ये वाले इस दिन हमने खरीदा कुछ नहीं लेकिन बेचा है कितना यूनिट्स टू फिफ्टी टू फिफ्टी निकाल दो अच्छा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं तो जो पहले आया होगा वो पहले निकला होगा यानी इस 250 में 100 पहले वाला निकल गया होगा और डेढ़ सौ यहां से निकला होगा 200 में से तो जो 50 बचा होगा वो कहां का बचा होगा नीचे वाले से ऊपर वाले से बहुत बढ़िया बहुत कितना आ जाएगा यही आ रहा है ठीक है ना अच्छा पांच तारीख के बाद फिर सात को मैंने बाय किया है तो सात को मैंने बाय किया है तो लिख देंगे सात मार्च को ओपनिंग स्टॉक तो हमें मालूम है पचास दस रुपए बीस पैसे वाला अच्छा इस दिन मैंने फिर बाय किया है कितना दो सौ यूनिट दस रुपए पचास पैसे के हिसाब से बोलते क्यों नहीं यही तो आएगा अच्छा जी उसके बाद फिर परचेज किया है दस को तो फिलहाल इसको क्लोजिंग में रख लेते हैं कुछ इश्यू नहीं हुआ है ये मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है अब 10 तारीख को ओपनिंग में ले आते हैं यह जितना भी था इसको ओपनिंग में लिया ठीक है ना अच्छा दस तारीख को हमने खरीदा है तीन सौ यूनिट एक दस रुपए अस्सी पैसे के हिसाब से तो थ्री हंड्रेड यूनिट टेन पॉइंट एट तो हमारे पास तीन स्टॉक हो गए अब एक तो पचास यूनिट दस रुपए बीस पैसे वाला दो सौ यूनिट दस रुपए पचास पैसे वाला और तीन सौ यूनिट दस रुपए अस्सी पैसे वाला यही तो है इसको फिर दस तारीख के बाद किस डेट में है तेरह को इश्यू है अट्ठारह को इश्यू है बहुत बढ़िया बच जाएंगे अच्छा जी तेरह तारीख को ओपनिंग लिख लो इश्यू कितना है तेरह तारीख को 200 यूनिट निकाल दो 200 यूनिट ये कुछ भी खरीदा नहीं है 200 यूनिट्स निकल गई बोलो कहा पहले वाले से 50 निकली होंगी फिर 150 सौ यहां से निकली होंगी ओके इसका मतलब 50 यूनिट यहां से बच गई दस रुपए पचास पैसे वाली और 300 यूनिट पूरी पूरी बच गई दस रुपए अस्सी पैसे प्रूफ करना है टोटल मेरे पास स्टॉक कितना था 550 550 में 200 निकल गया बचा कितना 350 ठीक है हा या ना इसको अगले दिन ओपनिंग ले आए तेरह तारीख के बाद है आपका अठारह तारीख पचास यूनिट था और 300 यूनिट्स यूनिट है इस दिन भी कुछ नहीं खरीदा केवल इश्यू किया है इस 350 में से 200 सौ इशू कर दिया बताओ बताओ 50 पहले में से जाएगा ना और डेढ़ वन यहां से जाएगा तो इसका मतलब 150 हमारा बचेगा लास्ट वाले में से अच्छा एटीनथ को हो गया अब ट्वेंटी को फिर परचेस करेंगे कितने का परचेज किया है सर सौ यूनिट ग्यारह रुपए के हिसाब से तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया वन फिफ्टी पहले वाला और जो अभी अभी बाई किया है सौ यूनिट ग्यारह रुपए वाला ठीक है सर बीस तारीख के बाद लास्ट है आपका वन uh, फिफ्टी यूनिट इशू किया है हाँ या ना किस तारीख में पच्चीस तारीख में हमारे पास था एक सौ पचास यूनिट और हमारे पास था सौ कुछ भी खरीदा नहीं था एक सौ पचास यूनिट निकाल दिया कौन सा नारा निकला होगा ये तो बताओ पहला वाला निकल गया होगा इसका मतलब दूसरा वाला प्लेन प्लेन बच गया होगा बोलो ना ये आंसर आ गया आपका दिस इज योर आंसर कोई दिक्कत है अब आप इसी क्वेश्चन को लीफो मेथड से घर पे करेंगे मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वेटेड एवरेज मेथड से भी आप ही को करना है इज इट क्लियर नोट कर लिया हो फोटो खींच लिया हो तो अच्छी बात है चले बहुत बढ़िया कल का जानते हैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन है आपका दिमाग कल हिलेगा क्योंकि आप लोग कुछ चीजें ऐसी जानते हैं जो आप सही तरीके से नहीं जानते हम लोग कल सीखेंगे दो तरह की आ, हमारी स्टॉक स्टेटमेंट स्टॉक को जानने के तरीके होते हैं द फर्स्ट वन मैथड इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने किया ना वॉट एवर वी डिड टिल टूडे अंडर दिस चैप्टर दैट वॉज योर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ये आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है अरे आज कौन सी तारीख है भाई हम ऐसे ही बोल रहे हैं दत, हम ऐसे ही आज कौन सी तारीख है जरा आज का स्टॉक बताना तो आप तुरंत स्टॉक रजिस्टर खोलेंगे अच्छा सर जी ये आज का स्टॉक इतना है अच्छा एक बात बताओ पांच दिन पहले कितना स्टॉक था बीस तारीख में आप पीछे जाएंगे बीस तारीख का सर जी आपका इतना स्टॉक मीन्स वी कैन कम टू नो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द सिचुएशन ऑफ द स्टॉक मींस इफ यू जस्ट वॉन्ट टू नो सिचुएशन ऑफ द स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर डेट यू कैन कम टू नो ओनली बाई टर्निंग ऑफ योर पेजेस तो आप पेजेस को टर्न अप करके अपने जान सकते हैं क्या कर क्या किस दिन का स्टॉक कितना था वो किरण वाला कि मतलब इन्वेंट्री सिस्टम वॉट इज योर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वॉट इज योर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ये हम लोग कल जानेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे आपके दिमाग की बत्तियां बुझ जाएंगी या जल जाएंगी हाँ वो हम लोग कल देखेंगे और उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे लेकिन उसके पहले भी एक दो पॉइंट हैं जो हमको क्लियर करने उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे बहुत अच्छे तरीके से खत्म होगा नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे अभी तक के लिए कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं हमसे आप कौन सा क्वेश्चन देखने बाबू अच्छा जो हमने यहां पर दिया है बाबू ये मिल जाएगा पीडीएफ में क्यों चिंता कर रहे हैं ये वैसे मैंने कहीं दूसरी जगह से पिक किया है क्वेश्चन ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा दिया जाए ये हम असाइनमेंट में ऐड कर देंगे आप नोट करना हो नोट कर लीजिए पिक लेना हो पिक ले लीजिए ठीक है टाटा बोले थैंक यू बच्चों थैंक यू बच्चों थैंक यू थैंक यू अम्बरीश अम्बरीश सुने इस नंबर पे हमको कॉल करें तो ये नंबर है मेरा कॉल करिए ठीक है टाटा टाटा बच्चों थैंक यू थैंक्स अलॉट